हाय एवरीवन, सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाते हैं। इस एपिसोड में आपको सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, जिसमें तीन ऑप्शन होंगे। तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आप लोगों से एक शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इंटरव्यू वाली जो सीरीज है इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं व्हाट इज कंक्रीट यूनिट वेट। आपके पास ऑप्शन है ए 25 किलो न्यूटन पर एम क्यूब, बी 20 न्यूटन पर एम क्यूब, सी 30 न्यूटन पर एम क्यूब। आप कमेंट बॉक्स में राइट कमेंट करते रहिए। अगर आपका ऑप्शन ए है तो आप 1A करके कमेंट करिए, बी है तो 1B करके करिए, सी है तो 1C करके करिए। राइट आंसर की बात करें तो कंक्रीट का यूनिट वेट 24 किलो न्यूटन पर एम क्यूब से लेके 25 किलो न्यूटन पर एम क्यूब के बीच होता है। फिलहाल यहाँ पे 24 है नहीं, इसलिए 25 किलो न्यूटन पर एम क्यूब है, यानी कि 1A आपका आंसर राइट है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू का सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम। आपके पास ऑप्शन है ए 4 नंबर, बी 5 नंबर, सी 6 नंबर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कौन सा आंसर सही है। राइट आंसर की बात करें तो सी 6 नंबर, यानी कि सर्कुलर कॉलम में मिनिमम जो रिंग हैं, मिनिमम जो बार हैं, वो 6 नंबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IS कोड। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू का थर्ड क्वेश्चन है ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड मोर देन। आपके पास ऑप्शन है ए 25 mm स्टील बार, बी 20 mm स्टील बार, सी 36 mm स्टील बार। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कौन सा ऑप्शन सही है। राइट आंसर की बात की जाए तो 3C राइट आंसर है। ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड मोर देन 36 mm स्टील बार, ये राइट आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं फोर नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंटरव्यू का फोर नंबर क्वेश्चन है फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज नॉट अलाउड मैक्सिमम। आपके पास ऑप्शन है ए 2 मीटर, बी 1.5 मीटर, सी 3 मीटर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कौन सा आंसर सही है। राइट आंसर की बात की जाए तो 4B, यानी कि कंक्रीट गिराते समय 1.5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखनी चाहिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इनर्शियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। आपके पास ऑप्शन है ए 20 मिनट, बी 10 मिनट, सी 30 मिनट। तो राइट आंसर कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। राइट आंसर की बात की जाए तो 5C, यानी कि 30 मिनट। सीमेंट का इनर्शियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू का 6 नंबर क्वेश्चन है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है ए 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बी 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सी 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। राइट आंसर की बात करें तो 6A राइट आंसर है कि कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली ब्रिक का जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू का 7th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रिक यूनिट वेट, यानी कि ब्रिक का यूनिट वेट क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 19 किलो न्यूटन पर एम क्यूब, बी 26 न्यूटन पर एम क्यूब, सी 30 न्यूटन पर एम क्यूब। तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। राइट आंसर की बात की जाए तो ए 19 न्यूटन पर एम क्यूब, ये राइट आंसर है। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू का 8th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ बार इन स्क्वायर कॉलम। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 नंबर,
ऑप्शन बी 5 नंबर, ऑप्शन सी 6 नंबर। तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। राइट आंसर की बात की जाए तो ए 4 नंबर, स्क्वायर कॉलम में अकॉर्डिंग टू IAS कोड 4 नंबर मिनिमम बार यूज करनी चाहिए। सो चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होने वाले वाटर का pH वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है ए 7 pH, बी 8 pH, सी लेस देन 6 pH। आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। राइट आंसर की बात की जाए तो 9 सी राइट आंसर है कि कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले वाटर का pH वैल्यू लेस देन 6 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IAS कोड। तो चलिए 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू का 10th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज सीलिंग प्लास्टर थिकनेस। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 mm, ऑप्शन बी 12 mm, ऑप्शन सी 6 mm। तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। राइट आंसर की बात की जाए तो 10 सी यानी कि मिनिमम सीलिंग प्लास्टर थिकनेस अकॉर्डिंग टू IAS कोड 6 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 6 mm से ज़्यादा रखने पर सीलिंग प्लास्टर बहुत ही कम समय में झड़ने लगता है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 m³, यानी कि 1 m³ में कितने सीमेंट बैग आते हैं। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 400। राइट आंसर की बात की जाए तो 11 बी 500, यानी कि 1 m³ में सीमेंट के 500 बैग आते हैं। सो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक न्यू जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।